मध्यवित्त श्रेणीर प्रिय कार थिला मारुति 800। 31 वर्ष धरी भारतीयंक हृदयरे राज करथिला। 1983 रे बाजार को आसीथिला मारुति 800। जे कोनोसी ब्रांडर मूल्य एहाको पसंद करथुवा लोकंक द्वारा निर्णय करा जाय। प्रत्येक ब्रांड एहार ग्राहकंक टार्गेट करे। आम देश भारत मध्यवित्त परिवारक आधार रे चालिथाय। सेथिपई अधिकांश ब्रांड एही श्रेणी को सेमानकर ग्राहक करबा चिंता सहित बाजार को प्रवेश करंती। मध्यवित्त श्रेणीर लोकमाने जेउ द्रव्य उपरे स्टाम्प बजाइछंती सेही उत्पाद को सफल हेबा को केही अटकाई पारिबे नाही। आज आमे आपनको एपरी एक कार कहानी कहबा को जाउछु जहां प्रकृत भारत पई स्वतंत्र भावे तयारी होइथिला। एही प्रकृत भारत देश मध्यवित्त श्रेणीर थिला। तेबे आसंतु आज आपनको मारुति 800 रो कहानी कहबा जहां को एकदा भारतर निजस्व कार को जाउथिला। 1980 दशक पर्यंत सान की सवारी कह जाउथिबा अंबेसडर कार प्रचलित थिला। प्रधानमंत्री कठारो वयस्क राजनेता एवं अधिकारी माने एही कार रे जाउथिले। कार जहां इंडियन रोड रो किंग भाबे जणासुणा प्रसिद्ध अंबेसडर को एक कठिन प्रतियोगिता देथिला एवं परे एहाकु बाजार रो बाहर कर देथिला मारुति 800। प्राय 4 दशंती पूर्वरु 1980 रे संजय गांधी भारतर साधारण लोकंक पई एक कार तयार करिवार स्वप्न देखिथिले। संजय गांधी को एही स्वप्न पूर्ण होइथिला किंतु से एही दुनिया छाडीबा परे संजय गांधी एक विमान दुर्घटना मृत्युबरण करथिले। एही कारणरु से ताको स्वप्न को साकार करिपार नथिले। मध्यवित्त श्रेणी पई एक सुलभ कार आनिबार तांकर स्वप्न जेतेबेले भारत सरकारक मारुति उदय लिमिटेड नामक एक कंपनी जापान रो सुजुकी मोटर कंपनी सहित मिलित उद्यम आरंभ कला। मारुति सुजुकी गठन पई उभय कंपनी एकाठी होइथिले। एहा भारतर सबठारु सस्ता कार तयारी करथिला। 9 एप्रिल 1983 दिन थिला जेतेबेले मारुति 800 पई बुकिंग आरंभ होइथिला। आपण अनुमान करिपारिबे जे कारटी भारत लोकंक उपरे की प्रभाव पकाइथिबो। जेहेतु जून 8 पर्यंत अर्थात बुकिंग आरंभ हेबार मात्र 2 मास परे 1,35,000 कार बुक होइ सारिथिला। देशर साधारण लोकमाने गोटे समय पर्यंत साइकिल बाइक बस और ट्रेन रे यात्रा करथिले। वर्तमान तांकर निजर चारिचकिया जान नेबार क्षमता थिला। जेतेबेले मारुति 800 बाजार को आसिला एहार मूल्य मात्र 52,500 टंका थिला। एहार कम मूल्य व्यतीत एहार भल माइलेज थिला एवं इनवॉइस करबा सहज थिला। एहा देशर प्रथम स्वयंचालित गियर कार थिला। एहा परे दिन आसिला जेतेबेले एही स्वदेशी कार भारतवासी को हस्तांतर करा जायथिला। संजय गांधी को जन्मदिन डिसेंबर 14 1983 रे मारुति 800 रो वितरण आरंभ होइथिला। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी निजे कार रो चाबी बुक करथिबा प्रथम 10 जन को देथिले। मारुति 800 रो प्रथम मालिक थिले इंडियन एयरलाइंस रो कर्मचारी हरपाल सिंह। आज भी हरपाल सिंह का परिवार सेही विशेष दिन को बहुत भल भाबरे मने रखिसेंती। प्रधानमंत्री ठारु कार चाबी नै हरपाल सिंह का फोटो देशर ऐतिहासिक मुहूर्तर एक गुरुत्वपूर्ण अंश होइगला। समयर गति सहित मारुति 800 रो मूल्य मॉडल एवं चाहिदा अनेक परिवर्तन आसीछि। धीरे धीरे मारुति 800 लक्ष्य रे उत्पादित हेला। एही जानर चाहिदा भारतर प्रत्येक भागरे वृद्धि पाइबारे लागिला। 90 दशक रे समय आसीथिला जेतेबेले मारुति 800 विक्रय दृष्टि रु भारतर प्रसिद्ध कार अंबेसडर को अतिक्रम करथिला। 1997 सुद्धा भारतर बिक्री होइतिबा प्रत्येक 10टी गाडी रे मारुति 800 थिला। एही कार भारतर पड़ोसी देश पाकिस्तान को मध्य पागल कर दैथिला। पाकिस्तान रे एही जानर लोकप्रियता एते बढ़ी गला जे लोक माने एहा को चोरी करबा मध्य आरंभ कर देले। रिपोर्ट रु जणा जाय जे गोटे समय रे मारुति 800 एही देशर सर्वाधिक चोरी होइतिबा गाडी थिला। एही कार लोकप्रियता देखि सुजुकी पाकिस्तान रे सुजुकी मेहरान लॉन्च करथिले जहाकी
ଏହା ଦେଶରେ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛି। ମାରୁତି 800 90 ଦଶକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶର ପ୍ରିୟ କାର ହୋଇ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। 2000 ମସିହାରେ ମାରୁତି ଏହାର ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଅଲ୍ଟୋ ଲଞ୍ଚ କଲା, ଯାହାପରେ ମାରୁତି 800 ଧୀରେ ଧୀରେ ପଛରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଲ୍ଟୋ ପାଇଁ ବଜାରରେ ଚାହିଦା ଯେତେ ଅଧିକ ହେଉଥିଲା, ମାରୁତି ସେତେ ପଛକୁ ଯାଉଥିଲା। ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବା ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯାନ ବଜାରକୁ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଏବଂ ଲୋନ୍ ପାଇବା ସହଜ ହେବାରୁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇପାରିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମାରୁତି 800ର ବଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାରୁତି ଭାରତ ରାସ୍ତାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ 18 ଜାନୁଆରୀ 2014ରେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଦିନ ଶେଷ ମାରୁତି 800 କାର୍ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର 31 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରାରେ ମାରୁତି 800 ପ୍ରାୟ 27 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।